ओके सो हाय एवरीवन। तो अब जैसे कि अभी इस टाइम दिसंबर का महीना है, जनवरी इनटेक वाले बच्चे आने वाले होंगे और काफी बच्चे जो अभी अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनका प्लान होएगा बाद में कनाडा आने का अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए। तो उसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कनाडा आने के लिए, जब आपकी एडमिशन वगैरह हो गई है, सब हो गया, वो होता है वीजा एप्लीकेशन। तो मैंने पर्सनली अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है वो मैंने ऑफलाइन सबमिट करवाए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स वो करवाए थे VFS चंडीगढ़ में। जो मैंने खुद सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं उसकी डिटेल्स अभी मैंने सारे यहाँ पे लिख ली है, और हर डॉक्यूमेंट के साथ जो मेरा खुद का एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं वो भी आप सभी के साथ अभी शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो सबसे पहले जो पूरी एक फाइल थी मेरी, जो पूरा एक ऑफलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक पैकेज मैंने सबमिट कराया था VFS में, उसका जो पहला पेज था वो था ऑफिशियल रिसीट, जिसमें एक बहुत बड़ा बारकोड था जो इंस्टेंटली उन्होंने स्कैन करके पता करना था कि जो भी स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं इन्होंने अपनी फीस सबमिट की है या नहीं। तो मेरे पास, हालांकि तब ना मेरे पास ना मेरी फैमिली में किसी के पास क्रेडिट कार्ड था, हम सभी डेबिट कार्ड ही यूज करते थे। तो द थिंग इज, क्योंकि ये कैनेडियन डॉलर्स में पेमेंट होनी थी तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही हो सकती थी, तो मैंने अपने एक फ्रेंड का क्रेडिट कार्ड यूज किया था जिसके थ्रू मैंने पेमेंट की थी। तो मेरे एक्सपीरियंस से आपको ये एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा कि क्रेडिट कार्ड किसी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं आपका या आपके किसी फैमिली मेंबर का भी हो, तो किसी का भी क्रेडिट कार्ड हो। मैंने भी अपने फ्रेंड का यूज किया था, तो पेमेंट के बाद रिसीप्ट बस वहां पे लगा दी थी फर्स्ट पेज पे। जो दूसरा पेज था वो था SDS का फ्रंट पेज। यहाँ पे मैं वो जो SDS का फ्रंट पेज है वो मैंने इसीलिए लगाया था, जो SDS की जो एक गाइडेंस के लिए बुकलेट है ना, जिसमें चेकलिस्ट भी मिल जाती है सारी, तो उसी का जो फ्रंट पेज था वो मैंने अपनी फाइल का फ्रंट पेज बना दिया था। वो इसलिए ताकि वीजा ऑफिसर को पता लग जाए फाइल खोलते कि हाँ ये SDS में फाइल आई है, यूनिवर्सिटी या जनरल कैटेगरी में नहीं आई। द थिंग इज, ये सजेशंस जो है मैंने अपने एक फ्रेंड से लिए थे जो कि IRCC मेंबर है, जो कि मॉन्ट्रियल बेस्ड है। जो फ्रंट पेज के बाद अगला पेज था मेरा वो था SDS की चेकलिस्ट का, तो ये चीज काफी हेल्प भी कर देती है कि गलती से आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस ना हो जाए, जो कि बहुत नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट जो है वो है स्टडी परमिट क्वेश्चनेयर का, जिसमें एक छोटा सा एक टेबल बना देते हैं कि जिसमें से वीजा ऑफिसर को देखते ही पता लग जाए कि आपका कहीं पीछे गैप तो नहीं है, फिर वो गैप देख के फिर आगे वाले डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करता है। तो मेरा हालांकि कोई गैप नहीं था, वहां पे लिख दिया था कि 2012 से 17 तक मैंने अपनी डिग्री की, 17 से 18 मेरा वर्क एक्सपीरियंस था, और उसके बाद मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया वगैरह वगैरह। उसके बाद एक टेबल होता है फैमिली इनकम शो करने के लिए, उसमें अपने फादर की इनकम, मदर की इनकम लिखनी थी मैंने टेबल पे, INR में भी और कैनेडियन डॉलर्स में भी। तो INR में जितने भी लिखी कैनेडियन डॉलर्स में 50 से डिवाइड करके वहां पे कैनेडियन डॉलर्स में लिख दी, वहां पे लिख दिया कैलकुलेटेड एट 50, और उसका सोर्स लिख दिया कि सैलरी है या बिजनेस इनकम है, जो भी है वो एक छोटा सा टेबल बन जाता है। तो ये स्टडी परमिट क्वेश्चन है जिसके दो पेज मैंने लगाए। तो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका फैमिली इंफॉर्मेशन का, जो जिस फॉर्म का जो नाम है वो है IMM 5707E। तो इसमें आपने अपने फैमिली के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उनको देनी है कि फादर मदर की डिटेल्स, उनके एड्रेस, वो कहाँ काम करते हैं, उनकी इनकम वगैरह। तो यहाँ पे जब मैं फैमिली इंफॉर्मेशन भर रहा था तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वहां पे भाई के लिए, ब्रदर के लिए, सिबलिंग्स के लिए वहां पे फॉर्म में जगह नहीं थी। तो वहां फिर मैंने मेरे जो फ्रेंड थे IRCC के मेंबर उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि ब्रदर का मेंशन करना जरूरी नहीं होता, फैमिली इंफॉर्मेशन में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपके जो मॉम डैड हैं या जो आपकी वाइफ है या जो आपके बच्चे हैं, वो एक जो फैमिली की एक जनरेशन की चेन बनती है, वो ब्रदर सिस्टर वो टेक्निकली उनकी अपनी फैमिली शुरू हो जाती है बाद में, तो ऐसे तो बहुत बड़ी फैमिली के लिए फॉर्म फिल करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए ब्रदर का उसमें नहीं जरूरी था, उसमें सिर्फ फादर मदर और खुद की डिटेल्स मेंशन करनी थी सारी। उसके बाद जो एक फॉर्म होता है वो होता है IMM 1294E। ये फॉर्म ही है सबसे बड़ा फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म, जो कि है एप्लीकेशन फॉर स्टडी परमिट मेड आउटसाइड ऑफ कनाडा। आप इंडिया से अगर स्टडी परमिट एप्लीकेशन डाल रहे हो तो ये वाला फॉर्म सबसे ज्यादा बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, हर चीज बड़े ध्यान से फिल करनी है। मेरी खुद की इसमें बड़ी स्पेलिंग की एरर्स हो गई थी, कंसल्टेंट डेंटल सर्जन जहां पे ऑक्यूपेशन मैंने अपनी लिखनी थी वहां पे गलती से कंसल्टेंट के स्पेलिंग गलत हो गए, तो मेरे को सारा दोबारा फिल करना पड़ गया था, और उसका उसके जो रिपरकशंस थे, कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो आगे भी मैं आपको बताता हूँ। और एक लास्ट पेज पे बहुत सारे डेक्लरेशंस हैं कि आपने कभी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की वगैरह वगैरह, वो सारे टिक करके एक फिर लास्ट पेज आता है जब आप ऑफलाइन फाइलिंग कर रहे हो, तो लास्ट पेज जो प्रिंट होके निकलता है जब आप सारे फॉर्म्स फिल कर देते हो, तो वो होता है बार कोड्स, QR कोड्स जो प्रिंट होके निकलते हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया कि एक फॉर्म मुझे सारा दोबारा फिल करना पड़ गया था वो एक स्पेलिंग की मिस्टेक होने के कारण,
उसके कारण जब भी आप वो बार कोड्स क्यूआर कोड्स वाला पेज प्रिंट करते हो वो भी चेंज हो जाता है। तो मेक श्योर अगर आप बीच में से कोई फॉर्म चेंज कर रहे हो वो निकाल के, अगर आप सही इंफॉर्मेशन भर के दोबारा कोई किसी एरर के कारण दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ रहा है आपको, तो वो सारा कुछ दोबारा प्रिंट निकालो। और स्पेशली ये जो पीछे बार कोड और क्यूआर कोड्स वाला एक जो पेज अलग से प्रिंट होता है ना, इसको भी असेंशली वो सारा पैकेज ही चेंज करो। वो सिर्फ एक पेज निकाल के नया पेज से इंफॉर्मेशन के साथ मत डालो, सारा का सारा पैकेज आपका नया हो जाना चाहिए। क्योंकि लास्ट में ये जो कोड्स निकलते हैं ये सारे इंफॉर्मेशन के साथ स्कैनेबल कोड्स होते हैं, तो मेरे ख्याल से वो ऑफिस में शायद ये कोड्स ही स्कैन करके सारे कंप्यूटर में फीड कर लेते होंगे इंफॉर्मेशन। कोशिश करो कि पहली बार में सही सारी इंफॉर्मेशन भर दो, चेक करते करते भरना सारा। हाँ जी, तो उसके बाद ये तो हो गया जी असेंशियल जो फॉर्म सबमिट करने ही करने हैं। उसके बाद जो बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो है ऑफर लेटर, जिससे पता लगता है कि आप स्टडी करने जा रहे हो, आपको किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन मिली है। तो यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए कंडीशंस पे, अगर आपको कंडीशनल ऑफर लेटर्स मिले हैं, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर जो है वो कंडीशंस के साथ ही ऑफर लेटर देती थी, कोई भी नॉन कंडीशनल ऑफर लेटर नहीं इशू हो रहा था। हो सकता है आपके केस में भी हो, तो मेक श्योर आप कंडीशंस पे फोकस करो। और अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे आप कंडीशंस को रेक्टिफाई कर सकते हो, उनकी वो आपने फुलफिल कर दी है, ऐसे कुछ सपोर्ट में आप डॉक्यूमेंट शो कर सकते हो, तो वो भी अपनी फाइल में कर दो। उसके बाद है ट्यूशन फी पेमेंट। अब क्योंकि मेरे पास लॉगिन आईडी नहीं थी तब यूनिवर्सिटी की अपना, उन्होंने वो जब आप फुल टाइम एनरोल हो जाते हो कोर्सेज में तभी वो स्टूडेंट आईडी मेरी इशू करनी थी उन्होंने लॉगिन आईडी, तो वो मेरे पास नहीं थी। तो मैं ऑनलाइन अपने अकाउंट्स जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहा था, तो मैंने इनको फोन करके पूछा कि मेरे पास ट्यूशन फी मैंने पे कर दी लेकिन अभी तक मेरे पास रिसीप्ट नहीं आई ऑनलाइन, क्योंकि मेरे पास आईडी नहीं है लॉगिन आईडी। तो इन्होंने मुझे बताया कि वो जब आप यहाँ आ जाओगे तब हम आपको भेज देंगे, या शायद ये मेरे केस में ऐसा हुआ था, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना। तो इन्होंने क्या किया, मैंने कैशियर्स ऑफिस, रजिस्ट्रार्स ऑफिस सभी फोन करके देखे, तो उन्होंने मेरे को ईमेल कर दिया मेरी जो ट्यूशन फी पेमेंट की रिसीप्ट थी, तो वो रिसीप्ट मैंने प्रिंट आउट करके फिर यहाँ पे लगाई है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगाया वो था जीआईसी का, जो स्कोशिया बैंक की थी। जीआईसी का जो आपको पेमेंट करने के बाद, सर्टिफिकेट के पेमेंट करने के बाद जो ग्रांटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट का आने ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक की तरफ से, उसको 5 से 15 दिन भी लग सकते हैं। मेरे को 5 दिन लगे थे, मेरे भाई को 15-20 दिन लग गए, तो इट डिपेंड्स केस टू केस। इसके बाद जो शुरू होने हैं वो है नॉन कैनेडियन डॉक्यूमेंट, जो कि मेरे इंडिया के डॉक्यूमेंट्स हैं। अब वो यहाँ पे मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगाऊंगा, वो ऑब्वियसली फोटो कॉपीज लगाऊंगा। तो मैंने फोटो कॉपीज जो है बड़े थिक अच्छी क्वालिटी के पेपर पे कलर फोटो कॉपीज करवाई थी सारी, और वो सारी जो जितने भी फोटो कॉपीज थी वो नोटरी से स्टैम्प थी, अटेस्टेड थी, और उनके पास एक और स्टैम्प थी वैलिड फॉर एम्बेसी। फिर आता है वर्क एक्सपीरियंस लेटर। मेरा जिस हॉस्पिटल के साथ वर्क एक्सपीरियंस लेटर मैंने अपना इस फाइल के साथ लगाया था वो ऑफिशियल लेटर पैड पे था, स्टार्ट डेट, एंड डेट, आवर्स, यानी कि मेरा जो फुल टाइम स्टेटस था, मैं पूरे हफ्ते में फुल टाइम काम कर रहा था वो मेंशन था, मैं परमानेंट एम्प्लॉय था वो मेंशन था, मेरी सैलरी मेंशन थी, मेरा नाम ऑब्वियसली मेंशन था, और सबसे इंपॉर्टेंट एक पैराग्राफ में मेरी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सारी मेंशन थी। जब भी आप कैनेडियन परस्पेक्टिव से एक वर्क एक्सपीरियंस लेटर बनवा रहे हो तो मेक श्योर उनमें ये सारे पॉइंट्स हों। इसके बाद पंजाब डेंटल काउंसिल का मेरे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, जो कि ऑब्वियसली चाहिए ही होता है अगर आप पंजाब में या किसी भी स्टेट में डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो मेक श्योर अगर आपके पास ऐसा कोई मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप लगा दो, उससे आपका जो प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें वेटेज आ जाती है थोड़ी। उसके बाद थी जी मेरी डिग्री। डिग्री जो नॉर्मल आपको मिल गई होगी, अगर आप अभी अभी आपकी डिग्री खत्म हुई है और अगले साल आपकी ग्रेजुएशन, तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, जल्दी अपनी डिग्री बनवा के इशू करवा सकते हो। मैं तो 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही गया था, तो तब तक वैसे ही मुझे डिग्री मिल ली गई थी, तो मुझे अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उसके बाद है मेरे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी की डिग्री अलग है, मार्कशीट अलग है, कॉलेज से मेरे को एक पूरी ट्रांसक्रिप्ट इशू हुई थी, जिसमें जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं 5 सालों में वो सारे एक ही पेज पे लिखे थे। कई बार कुछ कैनेडियन कॉलेजेस जो हैं उनको ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एक ही पेज पे जी सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब सारी मार्कशीट्स एक ही पेज पे कोलैब करके हमें दे दो, तो उस केस पे कॉलेजेस से भी एक ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है अलग से, जो कि मैंने ले ली थी, बनवा ली थी और यहाँ पे फाइल में भी लगा दी थी। फिर इंडिविजुअल मार्कशीट जो आपको यूनिवर्सिटी से हर साल या हर सेमेस्टर में मार्कशीट्स आनी है वो तो आपने लगानी लगानी है वैसे भी। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, मेरे जैसे 4 साल की डिग्री थी और 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है डेंटिस्ट्री में, बीडीएस डिग्री उसके बाद ही मिलती है, तो वो 1 साल का जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट था वो भी अलग से मैंने लगाया था। इसके अलावा 10th और 12th की मार्कशीट्स लगानी है, और दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसके बिना आप जा ही नहीं सकते कनाडा, मतलब स्टडी वीजा पे तो जा ही नहीं सकते, एक तो वो ऑफर लेटर के अलावा, ये जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से पहला है वो है आईएल्ट्स का सर्टिफिकेट। मेरा जो स्कोर था वो था ओवरऑल 8 बैंड्स,
और इसके अलावा जो एक मेडिकल जो आपने सारा चेकअप करवाया होता है IRCC अप्रूव्ड डॉक्टर के थ्रू, तो उसकी एक जो रिपोर्ट, रिपोर्ट नहीं मैं कहूँगा, वो जस्ट 2 पेज दे देते हैं विद बारकोड, तो वो आपको यहाँ पे सबमिट कराने हैं, ओरिजिनल कराने हैं, ओरिजिनल, फोटो कॉपी नहीं चलेगी यहाँ पे, फोटो कॉपी करा के अपने पास रख लेना, ओरिजिनल फाइल के साथ जाते हैं। तो वो जो बार कोड जो है वो मेन इंटैक्ट रहना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बताया था कि उस जब वो फोटो कॉपी कराने गया था अपने लिए, अपने पास रखने के लिए, तो फोटो कॉपी वाले से उस पर ना चाय गिर गई मेडिकल के पेज के ऊपर, तो वहां पे तो वो थोड़ा टेंशन में आ गया। लेकिन क्योंकि बारकोड इंटैक्ट था, चाय के दाग लग गए थे पेज पे, लेकिन बारकोड स्कैनेबल था, तो उसका चल गया, उसका वीजा आ गया था बाद में। उसके बाद एक, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसकी तो एक मैं सेपरेट वीडियो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा वो प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी फाइल को एक ह्यूमन टच प्रोवाइड करता है, वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सारे डॉक्यूमेंट्स बाकी फैक्ट्स के रिलेटेड है ये, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो, आपके पर्पस, आपके एम्बिशंस एक्सप्रेस कर सकते हो, और वो जो भी आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखा होगा उसको सपोर्ट करने के लिए जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको लगाने पड़ेंगे। और इसमें जो जो भी मैंने लिखा था वो मैं फिर कभी एक सेपरेटली डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो वीडियो, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए जो मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो था मेरा 12th का मेरिट का सर्टिफिकेट, जो मेरे 91% आए थे, उसका जो अलग से सर्टिफिकेट मिला था मेरिट में आने का, तो वो सर्टिफिकेट, एक जो मैंने गोल्ड मेडल जीता था अपने इंटर्नशिप या फाइनल ईयर के दौरान, उस गोल्ड मेडल का सर्टिफिकेट जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस थी, और वो मुझे जिस प्रेजेंटेशन के लिए मिला था वो प्रेजेंटेशन मेरे मास्टर्स की, कैनेडियन मास्टर्स के रिलेटेड फील्ड की थी, तो वो वाला डॉक्यूमेंट और वो सारे पोस्टर्स और प्रेजेंटेशंस मैंने कैनेडियन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते टाइम भी लगाए थे और वीजा अप्लाई करते टाइम भी लगाए थे, ताकि प्रोग्राम के साथ कोरिलेशन बड़ी अच्छी बन जाए, और उससे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये सारा कुछ मैंने क्योंकि मेंशन भी किया था, तो वो भी उस डॉक्यूमेंट की सपोर्ट में भी चले गए डॉक्यूमेंट्स। और इसके अलावा जो मैंने डिग्री खत्म होने के बाद एक नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो फ्री में एंटरप्रेन्योरशिप का एक कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन्होंने चलाया था वो भी मैंने किया था, तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो सर्टिफिकेट था मेरे पास वो भी मैंने साथ में लगा दिया था, क्योंकि मेरा प्रोग्राम में एंटरप्रेन्योरशिप के एलिमेंट्स थे, तो वो भी बड़ा अच्छा लिंक कर गया था। और लास्ट में बैंक स्टेटमेंट, मैंने अपने अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट, यहाँ ध्यान रखना मैंने अपने फादर की या अपने फाइनेंसिस फंड शो करने के लिए कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई, मैंने वो बैंक स्टेटमेंट अपने अकाउंट के लगाई थी सैलरी दिखाने के लिए कि मैंने जो वर्क 1 साल किया तो पिछले 6 महीने की मैंने बैंक स्टेटमेंट लगा दी जिसमें सैलरी आ रही थी मेरी, और उसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया था हाईलाइटर से। हाँ जी, तो ये थे जी मेरे डॉक्यूमेंट्स, और ये वीडियो मैंने सोचा इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप में से कोई अप्लाई कर रहा है या करने की सोच रहा है उनके पास एक रेफरेंस होना चाहिए एटलीस्ट, जिससे वो कंपेयर कर सके हाँ कि एक स्टैंडर्ड फाइल में ये वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, अगर इस एक्सपीरियंस से आपको एक रेफरेंस भी मिल रहा है तो वेल एंड गुड। सो दैट्स इट, आई होप इट हेल्प्स, थैंक यू।